नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राजद में नाराज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां विधायक सुधाकर सिंह और विजय मंडल अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, वहीं अब इसमें एक और बड़े नेता शिवानंद तिवारी भी शामिल हो गए। मीडिया के साथ बातचीत में शिवानंद तिवारी ने सीधे कह दिया है कि नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां आम लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर और पांच जन्य को दिए साक्षात्कार में सरसंघचालक भागवत ने LGBT समुदाय का भी समर्थन किया है और कहा है कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। सीतामढ़ी जिले में बाघ होने की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग कभी भी किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। बता दें कि वन विभाग की टीम पिछले 5 दिनों से लगातार बाघ की खोज को लेकर रेस्क्यू अभियान चलाने का काम कर रही है। पिछले कई दिनों से बाघ के होने की खबर वन विभाग को मिल रही है। वन विभाग को जिन जिन इलाकों में बाघ के मौजूदगी के होने की खबर जब से मिली है, तब से वन विभाग की टीम उन जगहों पर लोगों को सावधान रहने के लिए माइक के जरिए अलर्ट किए जाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कनेक्शन सेंटर में हो रहा है। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत के पास अन्य देशों के मुकाबले आर्थिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता बहुत अधिक है। G20 ग्रुप में इस साल भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था होगी। बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। बोर्ड ने 9वीं कक्षा के लिए छात्रों को मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका देते हुए लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है, जिसके बाद छात्र अब 16 जनवरी तक बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश होने में 20 दिन बाकी रह गए। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगे। इस समय बजट से जुड़ी किसी भी खबर या अलग अलग सेक्टर की तरफ से वित्त मंत्री से की जाने वाली मांग पर सभी की निगाहें हैं। नौकरी पेशा से लेकर किसान तक सभी की निगाहें बजट पर हैं। इस बार ये बजट में आयकर छूट की लिमिट बढ़ाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। बिहार में जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जातिगत जनगणना कराने के लिए पिछले साल 6 जून को सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। यह याचिका बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आमतौर पर किसानों को स्कीम को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं। इसमें सबसे कॉमन सवाल यह है कि अगर किसी पीएम किसान स्कीम के लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में इस स्कीम का लाभ आगे किसे मिलेगा। ऐसी स्थिति में किसान के वारिस को जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा और वह स्कीम का लाभार्थी बन सकता है, मगर इन 6,000 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उस किसान को खुद को पोर्टल पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से पहले यह चेक किया जाएगा कि वह किसान योजना के पात्र है या नहीं। आधार पूनावाला के अनुसार दुनिया भर में कोविड का नया वेरिएंट BF7 लोगों को संक्रमित कर रहा है। देश में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के औषधि नियामक से कोवैक्स की एक खुराक वाली बूस्टर डोज को बाजार में उतारने के लिए मंजूरी मांगी थी। इसे लेकर DCGI की ओर से किए गए सवालों के जवाब दे दिए गए। संतुष्ट होने के बाद जल्द ही इसे बूस्टर डोज के रूप में स्वीकृति मिलेगी। आए दिन वंदे भारत एक्सप्रेस पर हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने नया प्लान तैयार किया है। रेलवे अब इन ट्रेनों के रूट पर पड़ने वाले गांवों के लोगों को जागरूक करने का काम भी करेगी। दरअसल वंदे भारत पर कई बार पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी हैं। रेलवे ने इसके लिए मंडल स्तर पर जागरूक करने के लिए रेलवे कर्मचारियों की टीम बनाने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में 4,276 करोड़ रुपए मूल्य की 3 हथियार प्रणालियों को खरीद को मंजूरी दी गई है। इन पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता अनुसार स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। इन 3 रक्षा सौदों में भारतीय सेना में 2 सौदे तथा भारतीय नौसेना के लिए 1 खरीद प्रस्तावित है। दुनिया कोविड महामारी की चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन बुरी तरह से डूब रहा टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर उछाल पर है। ग्लोबल टूरिज्म का दायरा बढ़ रहा है। लोग कोविड संकट के बीच भी यात्राओं से परहेज नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर ने अपनी सीमाएं यात्रियों के लिए खोल दी है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट में 85वें पायदान पर खड़ा है। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ एसी चरानिया को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। एसी चरानिया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे और प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर सलाह देंगे। उन्होंने साथ ही भारतीय अमेरिकी भव्य लाल का स्थान लिया जो 3 जनवरी तक कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकी विद थी। लग्जरी क्रूज गंगा विलास पर्यटकों को लेकर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये क्रूज 22 दिसंबर को कोलकाता से रवाना हुई थी, जो मंगलवार को वाराणसी में उत्तर प्रदेश के रामनगर बंदरगाह पर पहुंची। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज रामनगर से रवाना होकर संत रविदास घाट पहुंचेगा, जहां उसका भव्य स्वागत होगा। विदेश में रहकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की बात हो या फिर वहाँ की राजनीति में बड़ा पद हासिल करने की, हर जगह प्रवासी भारतीय अपने झंडे गाड़ रहे हैं। प्रवासी भारतीय दुनिया भर में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने देश पैसा भेजने में प्रवासी भारतीय अव्वल हैं। इस तरह वो विदेश में रहते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कहती है कि प्रवासी भारतीयों ने एक साल में $83.15 बिलियन अपने देश भेजे हैं। प्रवासी भारतीय पैसा भेजने के मामले में पहले स्थान पर हैं। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिक्षा बोर्ड के टॉप 20% छात्र अब IIT और NIT में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और JEE एडवांस के लिए उपस्थित होंगे, भले ही उन्होंने 12वीं कक्षा में 75% अंक हासिल किए हों या नहीं। बता दें कि यह निर्णय JEE के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने की निरंतर मांगों को देखते हुए आया है, जिसके लिए संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 75% अंकों की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 जनवरी को एक दिवसीय मैच खेला जाना है। वहीं इसके टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए MPCA के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में हाईकोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से लगाए गए जुर्माने के मामले में गूगल को बड़ा झटका लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से लगाए गए 936.44 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। CCI ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था। सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट 6.4% के स्तर पर रखने के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। अगले वित्त वर्ष में इसमें 0.50% की कमी आ सकती है। बजट में राजकोषीय मजबूती पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष में 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल में कहा था कि वह बजट के अनुसार राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करेंगी। इसका कारण बजट में तय लक्ष्यों के मुकाबले टैक्स कलेक्शन अधिक होना है। नवंबर के महीने में अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने का भारत फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। इसका मुख्य कारण है भारत को मिल रहा रूस से सस्ता कच्चा तेल। भारत लगातार पेट्रोलियम मार्केट का सरताज बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे बड़े देश को भारत के सामने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भारत की ओर आना पड़ रहा है। यमुना अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर ऐसी खुशखबरी दी है जिससे लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 2 लेन और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि हाल के समय में गाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही साथ एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने RSS को 21वीं सदी का कौरव बताया था। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा है कि वो संगठन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए RSS की शाखा में शामिल होना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी के संग पर टिप्पणी से कांग्रेस के नेता भी हैरान हैं। बीजेपी के नेता राहुल को टारगेट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी का जिक्र करते हुए खट्टर ने कहा कि वह पप्पू बने हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे। पंजाब में यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। हालांकि कई नेताओं को राहुल गांधी का पंजाब जाना रास नहीं आ रहा है
ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज हो चुका है और सबसे पहले मारुति सुजुकी ने अपने एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट वाहन से पर्दा हटाया है। कंपनी ने इस मोटर शो में बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट SUV पेश की है, जिसका कोड नेम EVX है। दिखने में ये बेहद खूबसूरत है और इसका लुक सभी को खास आकर्षित करने वाला है। रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि पृथ्वी 2 मिसाइल देश के परमाणु प्रतिरोध का अभिन्न अंग रही है। मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और इसे पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 जनवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में वकील नीला केदार गोखले को पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 9 व्यक्तियों के नामों को मंजूरी दी है, जिनमें 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। चीन के करीबी कहे जाने वाले नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहर उर्फ प्रचंड ने भारत विरोध पर टिके राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू कर दी है। नेपाल की सत्ताधारी दहल सरकार ने भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पिया धुरा काला पानी और लिपु लेक को वापस लेने का वादा किया है। नेपाल से सटे इन इलाकों पर नेपाल अपना दावा पेश करता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं अनवर करीम खान, नुन्नू गोलू कुमार, भावेश चौधरी, करण सिंह मेहरा, जितेंद्र कुमार, अखिलेश यादव, रविशंकर, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, MD शाकिर हुसैन, अभिनेश कुमार, प्रिंस कुमारी, नीतीश कुमार, अर्पण कुमार, अशर्फी मंडल, MD नौसाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।